पर लेफ्ट, लेफ्ट पैर पे पूरा वजन डालना है, राइट पे हल्का सा डालना है। राइट जाना होगा, राइट पे पूरा वजन डालना है, लेफ्ट पे हल्का डालना है। ये लेफ्ट राइट हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ जाना तो इस साइड वजन डालना है, इस पैर पे वजन ज़्यादा डालना है, इस पैर से कम डालना है। अगर इस पे इधर जाना होगा, इस पे ज़्यादा डालना, इस पे कम डालना, ये राइट लेफ्ट हो जाएगा। Okay, bye. Bye. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नई सुबह, एक नई शुरुआत, और आपका फिर से स्वागत है एक मुसाफिर पे। मैं गोप्स खुराना आपका स्वागत करता हूँ एक मुसाफिर पे। मैं कल की बात बताता हूँ। कल हुआ क्या कि मैं होम स्टे ढूँढ रहा था कि किसी तरह होम स्टे मिल जाए, क्योंकि हॉस्टल वगैरह तो श्रीनगर वैली में पूरे में है नहीं। तो मैं सोचा था कि होम स्टे मिल जाए, और होम स्टे मिलना बड़ा टफ है यहाँ पे। टफ नहीं है एक्चुअली, होम स्टे भी नहीं है यहाँ पे, आप काउच सर्फिंग कर सकते हो। तो मैं एक बारबेक्यू के खाने के लिए रुका, और यहाँ पे यहीं पे तो मैंने कहा मुझे होम स्टे चाहिए। तो कहते हैं आप हाउस बोट कर सकते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे हाउस बोट नहीं करना है, उसमें बस वो टूरिस्ट वाला फील होता है तो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे होम स्टे करना है। तो मैंने फिर आज काउच सर्फिंग करी, जो आपको घर दिखाया था वो काउच सर्फिंग की थी वहाँ पे। और कश्मीर वैली के बारे में ना बहुत नेगेटिव थॉट है बहुत लोगों के दिमाग में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सेफ जगह है, आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो। और हॉस्पिटैलिटी ना गजब की है यहाँ की। उन्होंने, मैं उनके यहाँ पे रुका, आपने देखा होगा पूरा पड़ोस इलाका था। तो उन्होंने, और हुआ क्या कि मैंने वजाहन नाम का फ़ोन नंबर था तो मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो कहते कि सर मैं ना 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप ना इस जगह पे ना वेट करना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो इतने में उनके कज़िन, जिसको पता नहीं था कि मैं उनका वेट कर रहा हूँ, तो कहते हैं सर ट्रैवलर तो आओ 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 हमारे पास आओ, हमारे पास कुछ चाय पानी पियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं उनके घर पे गया, फिर मैंने कहा कि आप बोले कि आप किसके पास जा रहे हैं, मैंने कहा वजाहन, कहते ही इज़ माई अंकल। तो ये स्टोरी थी। उसके बाद मैं उनके घर पे गया, चाय पानी पिया, मैंने कश्मीरी खाना खाया उनके साथ ही, और अमेजिंग बंदे हैं। तो आप कश्मीर आते हो और हॉस्पिटैलिटी ज़बरदस्त है यहाँ की। और अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग यहाँ से अराउंड 64 किलोमीटर, और यहाँ से रोड बहुत अच्छे हैं यहाँ के कश्मीर वैली के। जम्मू के अंदर थोड़े रोड ख़राब हैं, बट कश्मीर वैली के रोड बहुत प्यारे हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब मैं डल गेट पर हूँ, और इधर डल गेट से डल वाला लेक वाला जितना भी इलाका है वो पोस इलाका आता है, वो न्यू श्रीनगर है, और ये वाला इलाका सारा पुराना श्रीनगर कहलाता है। और ये काफ़ी नीचे है, वो वाला काफ़ी ऊँचा है। तो जो बाढ़ आई थी कुछ साल पहले, वो पुराने श्रीनगर में 15-15 फीट तक पानी भर गया था, और डल लेक में ऊपर तक पानी आ गया था। यहाँ सीधा, सीधा रोड, थैंक यू। ये सीधा रोड जा रहे हैं। आपको यहाँ के आसिक के एक स्टोरी दिखाता हूँ। देखो इस वैन के पीछे क्या लिखा है, पीछे देखो क्या लिखा है, वक्त तेरा आए और मौत। तो भैया आसिक कुछ चीज ही ऐसी होती है। सर गुलमर्ग, गुलमर्ग के लिए, गुलमर्ग, गुलमर्ग सीधा जाना, नॉर्मल आएगा आगे। ओके थैंक यू। ये कुपवारा और उरी जा रहा है, और ये रोड जा रहा है गुलमर्ग। गुलमर्ग यहाँ से है 38 किलोमीटर, हिली रोड स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से मेन गुलमर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है, और यहाँ से गुलमर्ग अराउंड 25 किलोमीटर स्नो स्टार्ट हो गई है। और अब मेरी तरफ देख सकते हो कितना खूबसूरत वेदर है यार, केवल 13 किलोमीटर आ गया है, तो आधे घंटे में आराम से पहुँच जाऊँगा। और हर केर की स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है यार, बिल्कुल माइनर सी है बट है। और रात को थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी, वो आप सड़क पे देख सकते हो। गुलमर्ग, गुलमर्ग बाइक नहीं जाएगा क्यों? रोड में नहीं, मैं बाइक ले जाएगा।
बाइक नहीं जाएगा, ले जाएगा उधर से जाना ना रास्ता। थैंक यू। गुलमर्ग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ले जाएगा। यहाँ पे आपको चेप दिया जाएगा अगर आप कहेंगे, कह रहे हैं कि गार्ड बाइक नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा कि आप हमारा बुक करो। पर देखते हैं जहाँ तक जाएगा, जब तक कोई ऑफिशियल बंदा मना नहीं करता जब तक मैं बाइक लेके जाऊँगा। यहाँ पे अब बाइक की स्पीड हो जाएगी 4-5, 3-4-5 और बिल्कुल स्लो स्लो ले जाना पड़ेगा। ओके अब स्टार्ट होता है थ्रिलिंग रास्ता। मेरे को सब कह रहे हैं कि आप बाइक नहीं ले जा सकते, बाइक नहीं ले जा सकते, और फाइनली मैंने मना लिया है कि मैं बाइक लेके जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो अब बाइक का रास्ता स्टार्ट होता है। मैंने लास्ट टाइम स्पीति वैली का राइड किया हुआ है तो थोड़ा सा मेरे को डर नहीं है। और मैंने मैं रस्सी भी लाया हुआ हूँ, तो अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं बाइक पे टायर पे रस्सी लगा लूँगा। तो बट मैं स्पीड में बिल्कुल नहीं चलाऊँगा, ये 13 किलोमीटर बहुत स्लोली स्लोली जाना है मेरे को, तो आराम से 1 घंटा हो जाएगा आई थिंक। खूबसूरत चीज़ क्या लगी मुझे यहाँ की, कि ना पूरे कश्मीर वैली में पेड़ सूखे 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 थे बट यहाँ पर ग्रीन है तो ये सबसे चीज़ अच्छी लगी मुझे। क्यों ग्रीन है अब ये रीज़न नहीं आ रहा, अगर वो सूखे हुए थे तो क्यों सूखे हुए थे। रीज़न शायद वो है कि वहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर 30-35 तक पहुँच जाता है, अब उनको इतने ठंड की आदत नहीं है उस वो उन पौधों को, तो वो सर्दियों में सूख जाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर तब भी कम रहता है तो इसके कारण यहाँ वाले पौधे जो ग्रीन है जस्ट अमेजिंग। तो दोस्तों गुलमर्ग में आपका स्वागत है। और यहाँ पे रोड पे बर्फ़ जमी पड़ी है तो इसलिए ब्लैक आइस हो गई है और इसलिए थोड़ा सा टफ है यहाँ पे। अब बस पिघल गई, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, अगर आपने वहाँ पे भूल करी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पूरे रोड पे ध्यान से चलाना पड़ रहा है। गाड़ियों में स्नो चैन लगी हुई है, यहाँ पे बाइक ले जा यार।
क्या करो, आप एक काम करो, मेरे ख्याल में वापस ही जाओ, वापस अब नहीं जाएगी बाइक। सर बाइक को स्नो चेन लगाने का, आई विल कवर दिस। बहुत गर्म है और बर्फ जमी हुई थी, और बर्फ जमी हुई, ब्लैक आइस जमी हुई है, और उसके कारण बाइक स्लिप हो रही थी। तो बाइक ऊपर जा नहीं पा रही थी, तीन चार बार कोशिश कर ली थी, तो हर बार बाइक स्लिप हो रहा था। तो मैंने ये लगा दिया, आपका कवर कर लिए, क्या आइस से कवर कर लिए, और ये लगा दिए। अब इमेजिन करो, और ये देखो कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, अब बाइक लेके जानी है, देखता हूँ कितने आगे तक लेके जाता हूँ मैं। फाइनली मैंने वो क्रॉस कर लिया है, अब मेरे को बिल्कुल आराम आराम से जाना है। थैंक गॉड काम बन गया मेरा रस्सी बांधने से, और अब मैं ले जा सकता हूँ बाइक के ऊपर। आधे घंटा मैंने मशक्कत की थी, आधा क्यों, एक घंटा लग गया था, बार बार टायर स्लिप हो रहे थे मेरे बाइक के, बट अब मक्खन चल रहा है, मज़ा आ रहा है, कहीं पे स्लिप नहीं हो रही बाइक बस, और एक जगह बस रस्सी टूट गई है यार, ये रस्सी नहीं टूटनी चाहिए, और जगह जगह रस्सियाँ टूट गई हैं मेरी, बस ये इंजन में लटक जाए, ये दिक्कत है यार। अब इनको मैं दोबारा टाइट करता हूँ, अब इनको मैं दोबारा टाइट, क्या सेक्सी वेदर हो गया, बस मेरी रस्सियाँ जवाब ना दे, वो बीच बीच में कई जगह टूट गई है पिछले टायर की, तो वो दिक्कत कर रही है मुझे। बट 3-4-5 किलोमीटर बचा है, आई होप मैं उसे क्रॉस कर लूँगा, तब तक ऊपर जाके कोई ना कोई सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, कि वापस तो आना ही है चाहे कैसी भी आए। ऊपर जाते वक्त दिक्कत होती है, लोग डरा देते हैं कि आप क्यों आए हो, बाइक लेके नहीं आना चाहिए था, बाइक मना है, आपको पता होना चाहिए। वो भी अपनी जगह ठीक है, और हम भी अपनी जगह ठीक है, सब ठीक है। उधर से मार डाल दो, गुलमर्ग स्कीइंग का, स्नोबोर्ड का हेवन है, और यहाँ पे लोग सीखने के लिए आते हैं, और एक स्कूल भी है स्नोबोर्ड का, स्कीइंग का सॉरी, पर वो मेनली जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट को ही सिखाते हैं। उसकी फ़ीस है 1500 रुपीज़ और 7 दिन के लिए, उसके लिए एक महीना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ पे सीख सकते हो, और उसमें खाना पीना सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे ही यहाँ पे शाम होने को होती है, तो पूरा जो वाइट पूरा संगमरमर की तरह हो जाता है पूरा इलाका, तो बहुत सुंदर है। यहाँ पे कल स्नोफॉल हुआ था तो, पर ज़्यादा नहीं हुआ था, 2-3 इंच हुआ था, तो आप पेड़ देख सकते हो। गुलमर्ग में एक मंदिर भी है, एक मस्जिद भी है, एक चर्च भी है, और एक गुरुद्वारा भी है, यानी कि सब कुछ है, और आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। और
अगर गिर भी जाओगे लगने का कोई खतरा नहीं है, उसको खतरा नहीं है, लेकिन बैलेंस बिगड़ जाएगा, नीज बेंड और अपर बॉडी पूरा वेट आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा इतना झुकना है, और इसमें आपको वॉक नहीं करना है, चलना नहीं, बस खाली खड़ा रहे, जो आपके हाथ पे जो सिटिक जो यहाँ पे यूज करना है, शूज के मिडल से आपको पुश करना है, लेकिन लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट पैर पे पूरा वजन डालना है, राइट पे हल्का सा जाना, राइट जाना होगा, राइट पे पूरा वजन डालना है, लेफ्ट पे हल्का जाना, ये लेफ्ट राइट, अगर मैं इस तरफ जाना तो इस साइड वजन डालना है, इस पैर पे वजन ज़्यादा डालना, इस पैर से कम डालना, अगर इस पे जाना इधर जाना होगा, इस पे ज़्यादा डालना, इस पे कम डालना, ये राइट और इस मंदिर कितना साल पुराना है? ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। आपने जब तक एग्जाम में वो बम डिफ्यूज करने वाला सीन देखा होगा, वो यहीं पे शूट हुआ है, और यहाँ पे अनुष्का शर्मा का डेथ होता है। अच्छा, अनुष्का शर्मा का जब डेथ जो होता है यही पे होता है, फिर यहाँ से बाहर जाते हैं वहाँ पे अधिकरण के और जो ये पीछे मेरा चर्च है, यहाँ पे मन मूवी का शूट हुआ था। क्लब में, क्लब से। अगर आप गुलमर्ग आते हो तो आप सब कुछ भूल जाओगे, बहुत सुंदर है। और मैंने स्किंग की तो उसके चार्जेज हैं 500 इंस्ट्रूमेंट के, अभी और अभी टाइम 3 बज चुके हैं, तो सोच रहा हूँ कुछ अभी लंच करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करें क्या नहीं। और गुलमर्ग, अब मैं जा रहा हूँ राजा हरि सिंह पैलेस, और यहाँ से है अराउंड 1.5-2 किलोमीटर, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं 5-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ये नीचे सारी ब्लैक आइस है बीच बीच में, और मैं महाराजा हरि सिंह पैलेस जा रहा हूँ, और महाराजा पैलेस राइट हैंड साइड में इधर। ये महाराजा पैलेस में हम एंटर कर रहे हैं, मेरी बाइक और आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है यहाँ तक आ गए, और ये महाराजा हरि सिंह पैलेस है। ओ, मेरी वाट लगने वाली है नीचे जाते वक्त, क्योंकि आप देख सकते हो सारी रस्सियाँ टूट चुकी हैं, आगे वाली भी और पीछे वाली भी, तो अब मुझे नई रस्सियाँ लगानी पड़ेंगी, और उसके लिए जुगाड़ तुगाड़। यहाँ पे हूँ महाराजा हरि सिंह पैलेस में, और गुलमर्ग का सबसे अच्छा पॉइंट मेरे हिसाब से। ये महाराजा हरि सिंह पैलेस है, और ये इसका डिजाइन है। खोलते हैं तो पूरा वैली देखने को मिलती है, क्या खूबसूरत है।
ये शायद उनका कॉन्फ्रेंस हॉल था जहाँ पे सब मिलकर बात करते होंगे किसी भी विषय पे। बेडरूम लॉक लगा हुआ है। ये सेकंड बेडरूम ये उसके साथ ये है म्यूजियम क्वार्ट्ज। ये उस टाइम की बंदूकें ऐसी होती थी। इस टाइम पे ज्यादा टूरिस्ट आते नहीं है तो इसलिए ये बंद किया हुआ है ज़्यादातर और कोई बताने वाला भी नहीं है। इस टाइम पे शायद मैं सोलो हूँ और जिन्होंने मेरी टिकट ली थी अभी यहाँ पे एंट्री 40 rupees टिकट है तो वो बोले कि फर्स्ट राइडर हो आप जो विंटर में आ रहे हो, समर में तो बहुत आते हैं। तो यही कहानी है, अब हम नीचे चलते हैं। ये जगह एग्जैक्टली तो पता नहीं ये जगह क्या थी और मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कभी उनका जेल होती थी छोटी मोटी जो कैदियों को यहाँ पे रखते होंगे। और यहाँ से व्यू देखो बाहर का, अमेजिंग ना। तो अब ऊपर चलते हैं और कुछ बाइक का जुगाड़ करते हैं क्योंकि ऐसे तो जाएगी नहीं, स्लिप होगी 100%। ओके, वो जो नीचे वाली जगह थी जो रेस्टोरेंट की टाइप की बनी है वो कभी अस्तबल होती थी घोड़ों के लिए। अब मुझे बाइक का जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि पुरानी रस्सियाँ टूट चुकी हैं, उसकी सारी हालत खस्ता हो चुकी है। अब मैंने यहाँ से एक चाकू ले लिया जिससे पुरानी रस्सियाँ काट के अलग कर दूंगा और नई रस्सी डालूंगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाले टायर पे लगा लेता हूँ स्नो चैन, और स्नो चैन तो मिली नहीं थी, ये रस्सियाँ मिली थी और इनको, और ये बहुत हार्ड हो चुकी हैं तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो ये चलते, अभी टाइट हो चुके हैं और इसके कारण बहुत जल्दी टूट गई है मेरी 10-13 kilometers की राइड में। उम्मीद कर रहा हूँ ये अब इससे देखता हूँ कितना काम चलता है। ढंग की तो लग नहीं रही है मुझे, ये बिल्कुल थर्ड क्लास है बट ना से बेहतर है। अब पीछे वाले में लगाते हैं ऐसे ही, बट उसमें थोड़ा टफ है क्योंकि गड्ढे में फंस गई थी और स्लिप कर रही थी बाइक मेरी। मैंने रस्सी लगा दी है और देखते कितनी कामयाब हो पाती है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। और अब चलते हैं सीधा श्रीनगर। खुला है
और ये आप व्यू देख सकते हो पूरा। उस इलाका में हमेशा बर्फ पड़ी जाती है, मार्च अप्रैल मई जून तक पड़ती है वहां पे बर्फ। क्या व्यू है यार, अमेजिंग। और मेरे को श्रीनगर जाते जाते 8 बज जाएंगे और मैं उन्हीं के पास रुकूंगा जहाँ पे मैंने काउच सर्फिंग कल की थी। तो आज का यही प्लान है, कल देखता हूँ मैं सोनमर्ग जाऊँगा या वापस हिमाचल की तरफ चल दूँगा। व्यू ऑफ डल लेक। आज मैं फिर अपने काउच सर्फर के पास जा रहा हूँ, होस्ट के पास, जिन्होंने कल मुझे होस्ट किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप आ जाना यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो मैं उनके पास ही जा रहा हूँ, होस्ट के पास। काउच सर्फर होस्ट का घर ये है जहाँ पे मैं कल भी रुका था। नमस्कार सर। ओ क्या हाल जी, किस तरह से? हां जी, आप ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, मैंने दिखाया नहीं कल का, मैं सोचा आज दिखा देता हूँ। देखो आप कहते हैं इसको टेढ़ा टेढ़ा हो गया, खुद ही डिजाइन कर रहा है। आपको वीडियो बना रहा हूँ।